नमस्कार, आप देख रहे हैं अजना न्यूज़ लाइव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने 21वीं सदी को लेकर एक अलग ही सपना देखा था, लेकिन आज से ठीक 28 साल पहले यानी कि 21 मई 1991 को इसी व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले राजीव गांधी की। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और आज़ादी के वक्त वे महज 3 साल के थे। तमाम राजनीतिक ताकतों के बावजूद उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन होनी को कौन टाल पाया है। 1980 में सबसे पहले भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद और 1984 में माँ इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या की वजह से उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी पड़ी और 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजीव गांधी बेहद ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और कोई भी फैसला जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं लेते थे। बावजूद इसके तमिल अलगाववादी संगठन के समर्थकों ने इनकी नृशंस रूप से हत्या कर दी। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं उस वजह के बारे में। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों समर्थकों ने एक अलग तमिल राज्य की मांग को लेकर काफी उपद्रव मचा रखा था, जिसके लिए वहां पे शांति प्रयासों को कायम करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत से सैन्य टुकड़ियों को श्रीलंका भेजा था, जिसके बाद से ही वे लिट्टे समर्थकों के निशाने पर आ गए। 1987 में श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के दौरान भी उन पर एक सैनिक ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वे बाल बाल बचे थे। इसके बाद 21 मई 1991 में मद्रास से करीब 30 मील दूर श्रीपेरुम्बुदूर नामक एक जगह पर वे एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन पर आत्मघाती हमला हुआ और इस घटना के साथ ही उस युग का अंत हो गया जिस युग में 21वीं सदी को एक आधुनिक सदी बनाने का ख्वाब देखा गया था। अजना न्यूज़ लाइव की पूरी टीम राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करती है। देखते रहिए अजना न्यूज़ लाइव।